अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बरकाती इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मुजाफाती इलाके मीरा रोड पे। वही मीरा रोड जो पिछले कुछ सालों के अंदर जिसने काफ़ी तरक्की की है, वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है, बहुत सारी नई नई सोसाइटी आई है, बहुत कुछ बना है। जब मीरा रोड मुजाफात की शक्ल ले रहा था, जब ये मुजाफात मुंबई का बना, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है उनका बहुत बड़ा इसके अंदर उनकी कोशिशें थी। उसके अंदर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के आबा व अजदाद भी शामिल है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शाही पकवान, ये आप देख सकते हो। तो आज जो है शाही पकवान रेस्टोरेंट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। वीडियो के आगाज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आया कैसा जाता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये शम्स मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने ये है शाही पकवान रेस्टोरेंट है। शम्स मस्जिद जस्ट मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। अगर यहाँ से मैं अगर मीरा रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाऊँ तो सिर्फ 2 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है, पैदल रास्ता है। कुछ सिग्नेचर आइटम इतनी मशहूर और मारूफ है, आप मीरा रोड में अगर आए हो और मीरा रोड में आने के बाद अगर आपने यहाँ की बिल्कुल जो है दिलखुश कबाब, चिकन प्लेटर और जो है मटन मेथी गोश्त, अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं खाई है तो आपने मीरा रोड आने का जो आपको मौका मिला है उसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है। रेस्टोरेंट की बहुत सारी बातों के अंदर एक बात ये भी है कि खाने का बनने का जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो पाम ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मतलब ये कि यहाँ पे जो खाना आपको दस्तियाब कराया जाता है सनफ्लावर ऑयल के अंदर रहता है। चलिए ये चीजों को भी आज एक्सप्लोर करते हैं, इन चीजों को भी खाने का हम तजुर्बा करेंगे। तो आज के वीडियो का हम आगाज करते हैं। तो अंदर रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जबरदस्त वेटिंग का इंतजाम है, क्योंकि ये जो है रात के वक्त तो काफी फुल हो जाती है, बैठने की जगह नहीं रहती है। अब यहाँ से जैसे ही हम अंदर जाते हैं एक कशादा सा हॉल है और उसके अंदर एक कशादा सा बैठने का इंतजाम है, एकदम बेहतरीन सुकून और इत्मीनान से। फैमिली के लिए तो एकदम ही आइडियल है। और जैसे ही यहाँ से अगर हम जाएंगे, और ये तो हॉल हो गया, दूसरा जो है यहाँ का एसी रूम। एसी रूम कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है यहाँ का एयर कंडीशन एसी डाइनिंग हॉल, जो बहुत ही आप इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि बिलखसूस जो है फैमिलीज के लिए बड़ा आइडियल है। अगर आप यहाँ के बैठने का इंतज़ाम आप देखोगे तो देखिए इतना ज़बरदस्त बैठने का इंतज़ाम है, सुकून और इत्मीनान से आप बैठ करके खाने का लुत्फ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मुझे यहाँ के स्टार्टर्स, यहाँ का मेन कोर्स जब सर्व होता है, मैं आपसे मिलता हूँ। ये मटन पायसू पहली डिश जो है हमको सर्व हो चुकी है, और बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले कुछ चख ले नमक, और ये रहा मटन पाया सूप। इसका कलर ही बता रहा है कि इसमें लज्जत डालने के लिए इसको कितना पकाया गया है। जबरदस्त शाही पकवान के स्टार्टर्स जो है मेरे सामने सर्व हो चुके हैं, आप ये सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या है ये। ये चिकन टेरियाकी चाइनीज आइटम है। ओके, चिकन टेरियाकी। टेरियाकी। ओके, चिकन टेरियाकी। ओके, ये दिलकुश कबाब। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो दिलकुश कबाब है ना, जब यहाँ को एक्सप्लोर करने के बारे में जब इसकी रिसर्च कर रहा था, जोमेटो और स्वैगी के अंदर जा कर के देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इसी डिश पे कमेंट मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसके अंदर, अगर इस रेस्टोरेंट के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा अगर कमेंट कुछ आया है तो वो ये दिलखुश कबाब के लिए है। ये चिकन प्लेटर, इसमें 24 पीस रहते हैं, इसमें 6 टाइप के आइटम रहते हैं। ओके, 24 पीस है जी, और हर आइटम 6 तरीके का, 6 तरीके का, 6 तरीका है, और हर क्वांटिटी 4-4 की है, बराबर है, ठीक है। मुझे एक एक दीजिए। सीख कबाब, यह है सीख कबाब, और ये बंजारा कबाब, यह है बंजारा कबाब। ओके, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का जी, और ये मलाई कबाब, मलाई कबाब, कस्तूरी कबाब, कस्तूरी कबाब, लेमन तंदूरी, वाह बहुत खूब, और ये तंदूरी की,
तंदूरी के पीसेस। आप दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी स्टोरी में भी डाला है कि ये आप जो देख रहे हो ना, ये प्लेटर है और इसकी कॉस्ट अगर आप GST पकड़ के अगर आप इसकी कॉस्ट है ना, गालिबन 600 रुपये के आसपास है। तो आप बताइए, इतने सारे आइटम सिर्फ जस्ट 600 रुपये में क्या बुरा है? प्लेटर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि मतलब 4000 की रहेगी, 5000 की रहेगी, 10000 की रहेगी, लेकिन 3 से 4 लोग एक बजट के अंदर आप इन्वायरमेंट और खाना चाहते हो, खाने का लुत्फ लेना चाहते हो, ऑथेंटिक मुगलाई खानों का लुत्फ लेना चाहते हो, तो अच्छे बहुत सारे यहाँ के अच्छे ऑप्शन के अंदर एक ये भी है, ये मुर्ग लिबनानी कबाब। मुर्ग लिबनानी कबाब और ये शोले कबाब। शोले कबाब यहाँ पे जितने भी आइटम है, तमाम चीजें जो है सिग्नेचर आइटम है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ की मोस्ट पॉपुलर आइटम जो है दिलखुश कबाब से। आप देख सकते हो इसके अंदर कितना चीज है, इतना भरा हुआ चीज जल्दी आपको कहीं पे मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑल टाइम फेवरेट चिकन टिक्का, ये रहा चिकन त्रियाकी चाइनीज, जबरदस्त जायका, चटपटा। ये रहा बंजारा कबाब, ये यहां की सिर्फ जो प्लेटर के अंदर आई है। मुर्ग लिबनानी कबाब यानी चिकन लिबनानी कबाब आप कह सकते हैं। शोले कबाब जो मोस्ट पॉपुलर डिश है यहां की। कस्तूरी कबाब, मलाई कबाब, मुगलाई रेस्टोरेंट हो और तंदूरी ना हो तो मुगलाई का की बात को है ना जस्टिफाई नहीं होगी। ये रहा लेमन तंदूरी, मुझे बराबर याद है कि लास्ट टाइम हमने गोवंडी में कहीं पे खाई थी लेमन तंदूरी। स्टार्टर के जायके के बारे में मैं और क्या कहूँ, इतना मैं जानता हूँ कि अगर आपको ऑथेंटिक मुगलाई खाना खाना है तो एक बार इस रेस्टोरेंट में आ करके जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। बेहतरीन स्टार्टर खाने के बाद अब वक्त आ गया है कि मेन कोर्स के जो आइटम्स है उसका तजुर्बा लिया जाए। ये सर चिकन बंजारा मसाला। चिकन बंजारा मसाला, ओके, चिकन बंजारा मसाला। चिकन चिल्ली मिली। चिकन चिल्ली मिली, ओह मिर्ची, वाह, चिकन चिल्ली मिली। ये चिकन नवाबी। चिकन नवाबी चीज़ है, ओके, इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया गया। ये मटन मेथी गोश्त। मटन मेथी गोश्त, मेरे ख्याल से ये आपकी सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, मटन मेथी गोश्त। ये गार्लिक, चार तरह के हैं, एक गार्लिक नान है, गार्लिक नान, चीज़ नान, कुलचा, कुलचा, लच्छा पराठा, और ये राइस के अंदर बताइए क्या है। राइस के अंदर ओपन करना है, इसको ओपन करना है, फिर ये पूरी ग्रेवी क्या है, ये नहीं, ऊपर ग्रेवी रहेगा नीचे राइस रहेगा सर, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसका खाने का तरीका ऐसा है पॉट राइस का, मिक्स कर, हाँ, कि ग्रेवी ऊपर रहती है चावल नीचे रहता है, इसको मिक्स करके खाया जाता है। इसको खाने के लिए दूर दूर से आते हैं पॉट राइस को। जी सर, मतलब दोस्तों इस रेस्टोरेंट वालों ने पूरी भी जितनी भी अपनी सिग्नेचर आइटम है जिसके लिए मशहूर और मारूफ है, इन्होंने सब सर्व कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन नवाबी बिल्कुल हल्का फुल्का, मुगलाई और तीखा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं जो या वो लोग जो तीखा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो आइडियल है। और ये रहा दूसरा चिकन बंजारा मसाला,
बिल्कुल मुख्तलिफ जायका, खाने जैसा है। और ये है चिकन चिल्ली मिली। जाहिरी बात है नाम ऐसा है तो पूरा यकीन है कि ये तीखा होगा। तीखा भी है, चटपटा भी है। और इन लोगों का मेन खास आइटम मटन मेथी गोश्त, इसके बारे में जोमेटो और स्विगी पे भी आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कमेंट है। मेथी की खुशबू क्या कहूँ मैं, जबरदस्त। और अब जो है पॉट राइस जो है चाइनीज आइटम है, इसका जायका हमें कैसा लगता है? हमेशा की तरह चाइनीज, लज्जतदार और चटपटा। जिस तरह आप यहाँ पे डाइनिंग का इंतजाम देख रहे हो कि ये एक आइडियल है मीरा रोड के अंदर कि आप जो है सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी फैमिली के साथ आ करके खाने का लुत्फ अंदोज हो सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, एक से एक बेहतरीन ज़बरदस्त ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं अपने खुद के तजुर्बे से, जो मैंने जिस तरह से इसका खाने का एक्सपीरियंस लिया है, तजुर्बा लिया है, नया नगर मीरा रोड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों शाही पकवान मीरा रोड पे खाने का जो तजुर्बा था बहुत जबरदस्त था, बहुत बेहतरीन था, बड़ा लाजवाब था, जायके में वाकई में बड़ा जायकेदार था। मुझे अच्छा लगा, मैंने तारीफ की, लेकिन आप स्क्रीन पे साइड पे देख सकते हैं कि जोमेटो और स्विगी के ऊपर भी यहाँ की रेटिंग कितनी जबरदस्त है। इस पूरे एक्सप्लोर करने के लिए एक बात और अच्छी रही कि यहाँ पर बिलखुसूस ये रेस्टोरेंट जो है ना, आप अगर फैमिली के साथ आओगे ना, आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि जिस तरीके यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, चाहे नॉन एसी हॉल का हो चाहे ये एसी हॉल का हो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा है। सुकून और इत्मीनान के साथ आप जो है खाने का लुत्फ ले सकते है, खाने को एंजॉय कर सकते हैं, और जायके के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये यहाँ का जायका कैसा है। इजाजत चाहूंगा इसी के साथ ही, फिर आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।